पोटा खाए कर दीजिए तब तो ठीक है, अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन वाली बेस्टी वाली या बॉब कट वाली औरत चली आएगी कंपनी में, आपके महिलाओं को हक का हुकूक मिलेगा। अगर लिपस्टिक और बॉब कट वाली महिलाएं नौकरी करने चली आएंगी तो क्या आपकी औरतों को हक मिलेगा? महिला आरक्षण बिल पर दिए अपने इसी बयान को लेकर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बुरी तरह से घिर चुके हैं। इंडिया गठबंधन वाले कुनबे के नेता के ऐसे बयान पर बीजेपी भी कोई हमला करने से नहीं चूक रही। आइए पहले आपको सुनाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी का वो बयान जिससे इस नए विवाद ने तूल पकड़ा। कोटा तय कर दीजिए तब तो ठीक है, अब वरना महिला के नाम पर कि वो कौन वाली बेस्टी वाली या बॉब कट वाली औरत चली आएगी कंपनी में, आपके महिलाओं को हक का हुकूक मिलेगा। वही अब्दुल बारी के इस बयान के बाद जो सियासी संग्राम शुरू हुआ उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अपने तीखे बयानों से विपक्षी गठबंधन पर करारा वार किया। इसी कड़ी में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महिला आरक्षण विधेयक पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी नेता ने जिस तरह से बयान दिया है मैं उन्हें उन शब्दों में जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये देश महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। उनकी भाषा में मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह देश महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ चुका है। अगर देश की सीमाओं की रक्षा हमारी बहनें कर रही हैं, देश के फाइटर प्लेन हमारी बहनें उड़ा रही हैं, देश के चिकित्सा सेवा में उनका अभूतपूर्व योगदान है, बिजनेस के क्षेत्र में योगदान है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है, और अगर वह विधानसभा और लोकसभा में भी विधायक और सांसद बन करके बैठेंगी तो हमारा ये मानना है कि हमारा देश और भी प्रगति से प्रगति करेगा, क्योंकि उनकी भूमिका आधी आबादी की है। वहीं बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी बारी के बयान पर पलटवार कर इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। इन लोगों का सफाया हो जाएगा। आज महिलाएं कोई अभद्र बात सुनने को तैयार नहीं है। किसके बाल कैसे हैं, किसके वस्त्र कैसे, इससे आबादी कोई मतलब नहीं है। इस देश की 50% आबादी महिलाओं की अपनी आवाज चाहती है कि उसकी आवाज को सुना जाए, और जो कोई भी इस प्रकार का जो है कमेंट करेगा उसको लोग जो है बिल्कुल साइड निकाल बाहर करेंगे, हरा देंगे। दूसरी ओर आरजेडी नेता के महिलाओं पर दिए इस बयान को लेकर छिड़े विवाद पर खुद विपक्षी गठबंधन के नेता भी असहमत नजर आए और कड़े शब्दों में निंदा की। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने कहा कि वो उनकी टिप्पणी से पूरी तरह सहमत नहीं है और मैं समझता हूँ कि संसद में पढ़ी लिखी और काबिल महिलाएं आती हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अब्दुल बारी के बयान को अप्रासंगिक बताया। देखिए, ये मैं सहमत नहीं हूँ उनके बयान से। मैं समझता हूँ शरीफजादियाँ भी पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, पढ़ी लिखी लेडीज भी पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, काबिल लेडीज भी आती हैं। बॉब कट और लिपस्टिक वाली तो मैंने तो आज तक कोई पार्लियामेंट में ऐसी देखी नहीं। वो अब क्या कहते हैं वो रेलिवेंट ही नहीं है, पर जो उन्होंने कहा है मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें तो वो उनका एक राइट है, जो राइट काफी सालों से उनको डिनाई किया जा रहा था और विमेंस रिजर्वेशन बिल में उसको पूरा करने का काम किया है। हालांकि विवाद बढ़ जाने के बाद अपने बयान पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को आहत करने का नहीं था, अगर कोई हमारी भाषा से आहत हुआ है तो हम खेद व्यक्त करते हैं। बात असल है कि राष्ट्रीय जनता दल के अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ की एक बैठक थी, वहाँ बैठक मतलब कहिए एक तरह से रैली थी वो, और उस रैली में मतलब गांव गवई की औरतें महिलाएं माँ बहने सैकड़ों की तादाद में आई थी, तो जो गांव गवई की जो औरतें हैं महिलाएं हैं माँ बहने कहिए जो कहिए, तो सिर्फ महज उनकी जो समझ है समझदारी है उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था,
और अगर किसी ने इसको मैं लिया है अपने पे कि साहब हमने उनको आहत किया है, हमने उनको आहत नहीं किया, अगर वो महसूस करते हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं। गौरतलब है कि देश में लोकसभा चुनाव सर पर है और सियासी गलियारों में आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा विवाद की शक्ल ले रहा है। ऐसे में आरजेडी नेता के दिए इस बयान पर छिड़ा राजनीतिक विवाद आने वाले वक्त में क्या नया रुख अख्तियार करता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।